हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने लावा के फ़ोन में जो अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन होता है, उस अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं लावा के फ़ोन में। तो इस अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड पहले आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपल शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको करना है, जो हमारे पास लावा का फ़ोन है, लावा के फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस सेटिंग्स को हमें ओपन करना है। ये सेटिंग्स को ओपन करने करके जिस तरीके से आपको इंटरफेस शो होता होगा, तो कैसे हमको क्या करना है, सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के यहाँ पे आपको डिस्प्ले का ऑप्शन शो होगा, तो कैसे हमको सिंपली डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन सिंपली दिखाई दे जाएंगे। तो कैसे हमको नीचे के देखिए हल्का से स्क्रॉल करना है। हल्का से स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर कैसे आपको अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन शो होता होगा, तो कैसे सिंपली यहाँ पे जैसे इसको हम इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद हमारा अडेप्टिव ब्राइटनेस, जो हमारी ब्राइटनेस है, ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होने लग जाएगी। ठीक है, जैसे हम इसको जैसे ज़्यादा करेंगे और जैसे हम इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ करने के बाद फिर से ऑन करेंगे, तो जो आपकी ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा होती रहेगी लॉस के हिसाब से। अगर इसको ऑफ करने के सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसे हमारा ऑफ भी हो जाएगा। और इस ऑफ करने के जैसे अपने हिसाब से जो ब्राइटनेस आप कितनी भी रख से ज़्यादा या जितनी भी आप रखनी हो उतनी रख सकते हो। तो इस तरीके से अपने अडेप्टिव ब्राइटनेस ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं अपने लावा के फ़ोन में। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ऐसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक यू।